आ गया कि दी आईपीएल हैज बीन सस्पेंडेड इनडेफिनेटली, लेकिन आप भी जानते हैं कि इस सीजन इस आईपीएल को रिज्यूम कराना नहीं होगा। कहा जा रहा है कि वर्ल्ड टी20 के आसपास अगर हालात ठीक हुए तब होगा, लेकिन मुझे लगता है कि इस सीजन का आईपीएल आपका खत्म हो चुका है यहीं पर। और आईपीएल सस्पेंडेड इनडेफिनेटली जो है उसका मतलब है कि अब अगर आपको आईपीएल दिखेगा तो अगले सीजन का ही दिखेगा। और ये शायद पिछले 24 घंटे में जिस तरह से इवेंट्स हुए हैं, पहले एक कोलकाता के खेमे से आया, फिर चेन्नई के खेमे से आया, आज सुबह हैदराबाद के खेमे से खबर आ गई, दिल्ली के खेमे से खबर आ गई, और खिलाड़ी भी खुद अब सेफ नहीं महसूस कर रहे, मैंने आपको पहले भी बताया था। और बड़ी बात यह है कि सरकार ने भी बीसीसीआई को ये नज किया है कि अब आप ऐसे हालात में आईपीएल नहीं करा सकते, आईपीएल को रद्द कर दिया जाए। तो आईपीएल पूरी तरह से रद्द हो चुका है। अब सवाल यह भी है कि कसूर किसका है। बीसीसीआई आज अपने आप को गुनहगार मानेगा, बिकॉज पहले भी ये बातें होती थी कि जब आपने पिछले साल यूएई में कराया था तो इस साल आप वहां पर क्यों नहीं करवा रहे हैं। यहां तक कि जो फ्रेंचाइजीज थी वो भी यही चाहते थे कि यूएई में हो, लेकिन यहां पर इंडिया में कराया गया, फिर 6-6 वेन्यूज में दिया गया। अब हुआ यह है कि कोरोना के केसेस भी बढ़ रहे हैं, उसके साथ साथ आईपीएल अब रद्द हो गया है, और कहीं ना कहीं जो वर्ल्ड टी20 अक्टूबर नवंबर में इंडिया को मिलना था, अब वो भी मुझे नहीं लगता कि यहां पर होगा, क्योंकि केसेस की तादाद बढ़ रही है। और सबसे बड़ा सवाल हुआ आपके बायो बबल, अगर आपका बायो बबल बस्ट हुआ है। वरुण चक्रवर्ती की तो कल बात हो रही थी कि वो हॉस्पिटल गए थे, स्कैन के लिए गए थे, पीपीई किट में गए थे। दूसरा सवाल यह है कि चेन्नई सुपर किंग्स में कैसे हुआ। तीसरा सवाल यह है कि फिर हैदराबाद में रिद्धिमान साहा को कैसे हुआ। चौथा सवाल यह है कि दिल्ली कैपिटल्स में अमित मिश्रा को कैसे हुआ। और 24 घंटे में आपको 4 डिफरेंट टीमों से पता चल गया, तो कहीं ना कहीं चूक हुई होगी, बिना चूक के ये हो नहीं सकता था। तो ये चूक जिसकी भी थी, जो भी था, एक तो आईपीएल गया, दूसरा मुझे लगता है कि भारत के हाथ से शायद आने वाले वक्त में वर्ल्ड टी20 भी छिन सकता है। यूएई एक अच्छी प्रोपोजिशन है आईसीसी की तरफ से, लेकिन देखना ये होगा कि वो आगे चलकर क्या होता है। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर यही है कि आईपीएल सस्पेंड हो गया है, टीमों को बता दिया गया है। पहले ये बात हो रही थी कि 5-6 दिन के लिए आप इसको रोक दीजिए, रीबूट कीजिए, सबको हार्ड क्वारंटीन में डाल दीजिए, उसके बाद आप अगले हफ्ते से स्टार्ट कराएं। लेकिन जो डिसाइसिव चीज थी जिसके कारण ये फैसला लिया गया है, वो है सरकार का नज। भारतीय सरकार ने भी ये बीसीसीआई को नज किया है कि अब आप इस हालात में आईपीएल को आगे नहीं लेकर जा सकते। हालांकि ये कहा गया है कि इट हैज बीन पोस्टपोन्ड सस्पेंडेड इनडेफिनेटली। इनडेफिनेटली का मतलब कि किसी वक्त हम देखेंगे कि क्या होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस साल आईपीएल होगा। ये आईपीएल यहां पर खत्म हो चुका है। और जैसे मैंने कहा आपको, और जो डिटेल्स होंगी इसके मुतालिक जो